डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने किया था जो आपकी एनसीईआरटी की 3.4 एक्सरसाइज थी उसका एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया था। आज के लेक्चर में हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे वो बताएंगे, तो उसके ऊपर क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देख रखा तो पहले आप पिछला लेक्चर देखना, उसके बाद इस लेक्चर को देखना, क्योंकि उसके अंदर जो है डिटेल से बताया हुआ है और उसी मेथड के अकॉर्डिंग ही हम जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं और मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई भी मैट्रिक्स लेके चलता हूँ, जैसे आपके पास यहाँ पे दे दिया कि 7 3 2 1 माइनस का 1 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ भी माइनस लगा सकते हो, ठीक है। कुछ भी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स आ सकती है, तो मेथड के ऊपर फोकस करना है और इसको समझना है कि कैसे करेंगे। अब की बार कॉलम का यूज कर रहे हैं तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे, तो रो ऑपरेशन को इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कॉलम का यूज करना है तो रो ऑपरेशन उसके अंदर अप्लाई नहीं करना है, और रो के अंदर अगर हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर, यानी कि कॉलम का कोई भी ऑपरेशन उसके अंदर यूज नहीं करना है। तो देखो स्टार्ट, क्या आइडेंटिटी थी हमारी, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स आपके पास है 7 3 माइनस का 2 और माइनस का 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 1 और ए आपके पास एज इज। अब की बार कॉलम का यूज करना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर जो है ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों, ये आपके पास C1 है, नीचे लिख देता हूं मैं, ये आपके पास C1 है, ये आपके पास C2 है, ठीक है। तो नहीं, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर ही लिख देता हूं क्योंकि हमें चेंज जो है यहां पे करना है। तो ये आपके पास C1 है और ये आपके पास C2 है। तो देखो C1 के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 लेके आना है। तो मैंने 1 बढ़ाने के वही 4 मेथड बताए थे, चारों अप्लाई करके देखते हैं। फर्स्ट मेथड क्या था कि दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि 1 आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो फर्स्ट मेथड जो है कैंसिल हो जाएगा हमारा। सेकंड के ऊपर आते हैं, सेकंड क्या था कि जो स्मॉल एलिमेंट है उसी उसकी मल्टीप्लाई किसी कॉन्स्टेंट के साथ करेंगे, तो स्मॉल एलिमेंट आपके पास ये है, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई हम किसी कॉन्स्टेंट के साथ करेंगे और ऐसे कॉन्स्टेंट के साथ करेंगे कि दोनों का डिफरेंस जो है 1 आ जाए, ठीक है। तो अब मैं इसकी मल्टीप्लाई अगर 2 के साथ कर देता हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, 6, और 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब की बार हमने क्या किया, C1 के अंदर चेंज करना है, यहाँ पे 1 लेके आना है तो C1 के अंदर चेंज होगा, ठीक है। और C1 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, C2 की मल्टीप्लाई हमने किसके साथ की है, 2 के साथ, तो 2 की मल्टीप्लाई C2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। अब यहां भी देखो, ये भी आपका पूरा C1 है, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर भी यही ऑपरेशन अप्लाई होगा, तो इसमें से इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करनी है हमें, यानी कि माइनस 2 और माइनस का साइन 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा, ये तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, ये तो पहले ही 0 बन गया। तो यहाँ पे 3 और माइनस 1, क्योंकि C1 के अंदर चेंज करना था, C2 हमारी एज इज रहेगी इज इक्वल टू। अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, इसमें से इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0, यानी कि 1 आएगा, तो 1 एज इज रहेगा। अब इसमें से इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस का 2 ही आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे हमें यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करना था, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन जो है अप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये तो आपके पास है 1 ही रहेगा। अब देखो, इसमें से इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये आपके पास माइनस का 2 आ जाएगा, और इसको हम C2 को एज इज रखेंगे, ये आपके पास एज इज, ठीक है। अब यहां पे तो आपके पास 1 है, देखो कॉलम ऑपरेशन में, रो ऑपरेशन में तो हम इस डायरेक्शन में चले थे, ठीक है। अब कॉलम ऑपरेशन में हम कैसे चलेंगे, ये तो रो ऑपरेशन था आपका, अब कॉलम ऑपरेशन में हम कैसे चलेंगे, पहले इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले 1 बढ़ाएंगे, फिर 0 और फिर 1 फिर 0, ठीक है, यानी कि फिर इस डायरेक्शन में आएंगे और फिर इस डायरेक्शन में। तो हम इस डायरेक्शन से चल रहे हैं, यहाँ पे 1 हो गया आपका। अब यहाँ पे क्या करना है, 0 बनाना है, तो 0 बनाने का एक मेथड था, क्या था,
कि इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ कर देंगे और इसी में से उसको माइनस कर देंगे। तो यहां पे C2 के अंदर चेंज करना है हमें, तो C2 में से माइनस करना है क्या, इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3C1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन अप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। अब की बार C21 तो हमारे पास एच डी रहेगा क्योंकि C2 के अंदर चेंज करना हमें, तो इसको हम 10 एच डी रखेंगे। यहां पे क्या आ जाएगा, 0। अगर ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इन दोनों के ऊपर भी यही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो C2 की वैल्यू आपके पास क्या है, ये C1 ये C2, तो C2 की वैल्यू -1 है, -3 इंटू C1 की वैल्यू 0 है, तो क्या बच जाएगा आपके पास, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो -1 ही बच जाएगा, तो -1। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, इन दोनों के ऊपर भी यही ऑपरेशन जो अप्लाई करेंगे तो C2 की वैल्यू आपके पास है 0, यहां के यहां पे रखेंगे तो 0 -3 इंटू C1 की वैल्यू आपके पास है 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहां -3। अब की बार C2 के अंदर चेंज करना, तो C1 को मैं एज इज लिख लेता हूं, तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है, C2 की वैल्यू आपके पास क्या है इन दोनों में से, ये है तो 1 -3 एज इज, और C1 की वैल्यू आपके पास -2 है, तो ये -- है, प्लस का 6 हो जाएगा, और 1 ये है तो 7 आ जाएगा। ठीक है, एक और मैं एज इज रखेंगे, तो ये ऑपरेशन करने के बाद, अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाएंगे। अब क्या करना है, इस डायरेक्शन में तो हम चले पड़े, अब या नीचे आना है, यानी कि इसके ऊपर आर C2 के ऊपर जो है चेंज करना है, यहाँ पे 1 लेके आना है। तो मैंने बताया था 1 लेके आने के लिए क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट यहाँ पे होगा उसी से उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे -1 है तो -1 से तो डिवाइड करेंगे, तो यही रहेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसकी। यानी कि ऑपरेशन क्या लगा हमारे पास है? कि C2 के अंदर चेंज करना है, तो C2 की जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 0 और 0, यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 और माइनस का 2 है, इसकी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, C2 की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा, और ए एच डी। अब ये तो आपके पास आइडेंटिटी हो चुकी है, तो ये एक इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक 0 आ गया आपका, अदरवाइज हम क्या करते, यहाँ पे जो एलिमेंट होता है उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसी में से उसको माइनस कर देते, तो यहाँ पे भी 0 हो जाता हमारे पास, लेकिन यहाँ तो एक इनवर्स हमारे पास डायरेक्ट मिल गया है, 1 3 माइनस का 2 और माइनस का 7। ठीक है, पता चल गया। एक और क्वेश्चन जो है सोल्व करते हैं हम, और फिर आपको जो है अच्छी तरह से इसको समझ में आ जाएगा, फिर आप जो है इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उनको सोल्व कर सकते हो। तो देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, अगर अब की बार ए मैट्रिक्स में लेके चला, यहाँ पे लेके चलेंगे -2 -3 4 और 7। ठीक है, कुछ भी एलिमेंट हो, अरे सिर्फ मैथ्री के ऊपर फोकस करना है। तो फार्मूला क्या था हमारा, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए। ठीक है, अब ए मैट्रिक्स है -2 -3 4 और 7। ठीक है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 1 ए। ठीक है, अब यहां पे 1 लेके आना है, तो C1 के अंदर जो है चेंज करेंगे हम। ठीक है, अब फर्स्ट मेथड क्या था कि दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, 1 आ रहा है नहीं आ रहा, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस करेंगे इन दोनों को, तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 बच जाएगा। यानी कि C1 में से अगर मैं C2 को माइनस कर देता हूं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -2 में से माइनस करना है -3, तो प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 और -2 तो 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। तो C1 में चेंज करना है तो इन दोनों के ऊपर भी अप्लाई करना होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, और ये आर C2 हमारे पास एज इज रहेगा क्योंकि C1 चेंज करनी थी हमें। यहाँ पे देखो, अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1, और C2 हमारे पास एज इज रहेगा। क्लियर है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे 1 हो गया, अब यहाँ पे 0 बनाना है, तो 0 के लिए हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट यहाँ पे उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे और इसमें से उसको माइनस कर देंगे। अब की बार क्या करेंगे, देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देता हूं, तो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर देता हूं,
तो माइनस 3 है और प्लस का 3 है तो 0 हो जाएगा, यानी कि C2 के अंदर हमने चेंज किया, C2 के अंदर क्या चेंज किया, C2 में जो है ऐड कर दिया क्या, इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये क्या है C1 है, तो C1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और -3 उसमें ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां पे मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, 1 और माइनस का 3 तो एसडीज, क्योंकि C2 के अंदर चेंज हो रहा है, C1 तो हम एसडीज रखेंगे, ये 0 आपके पास हो जाएगा। इसमें से इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें उसको ऐड कर देंगे, इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का 9, और ये ऐड करेंगे तो ये माइनस का 2 बच जाएगा, ठीक है, तो यहां पे माइनस का 2 आ जाएगा इज इक्वल टू। अब यहां पे अप्लाई करते हैं तो C2 आपके पास है 0, प्लस करना है इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ करके, तो 0 में अगर मैं 3 ऐड कर देता हूं तो क्या आएगा आपके पास है? 1 और -1 एसडीज, तो यहां पे देखो 0 में अगर 3 को ऐड करेंगे तो 3 बच जाएगा, इन दोनों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो 1 और प्लस का 3 इंटू C1 -1 है तो ये 1 माइनस का 3 तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है, ए को हम एच डी रखेंगे, क्लियर है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, आपकी बार यहाँ पे क्या करना है, 1 लेके आना है, 1 के लिए हम क्या करेंगे C2 को डिवाइड कर देंगे इस एलिमेंट से, यानी कि C2 को हम जो है डिवाइड कर देंगे माइनस के 2 से, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 और -3 एसडीज, क्योंकि C2 चेंज होगा, 0 के अगर किसी से डिवाइड करेंगे तो 0, यहां पे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 और -1 एसडीज, इसको अगर मैं -2 से डिवाइड करूंगा तो माइनस का 3/2 आ जाएगा, अगर -2 से इसको डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, और ए को हम एसडीज रखेंगे, ठीक है। अब ये 1, ये 0, ये 1, आपकी बार यहां पे क्या लिख करना है 0, तो 0 के लिए क्या करना होता है हमें इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और दोनों को फिर अब की बार साइन अलग अलग है तो अब की बार क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है, तो C1 में चेंज करना है हमें, C1 चेंज होगी तो C1 के अंदर ऐड कर देंगे क्या 3 के साथ मल्टीप्लाई करके किसकी C2 की, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां पे तो आइडेंटिटी हो जाएगी इज इक्वल टू, यहां पे देखते हैं ऑपरेशन लगाने के बाद क्या मिलता है आपको, तो C1 आपके पास है 1 प्लस 3 इंटू C2 की मल्टीप्लाई करनी है तो C2 माइनस का 3/2 है तो ये 1 माइनस का 9/2 हो जाएगा, 2 को अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो 2 माइनस का 9 तो माइनस का 7/2 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का 3/2 और 1 भी एसडीज, क्योंकि हमें C1 चेंज करना है, C2 तो हमारे पास एसडीज रहेगा। अब इसमें से देखो माइनस का 1 प्लस 3 इंटू C2 1 है तो ये 3 और माइनस का 1 है तो 2 बच जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास जो है A का इनवर्स आ जाएगा, यानी कि A इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का 7/2 -3/2 2/1, ठीक है, तो ये आपका इनवर्स आ जाएगा, ठीक है, पता चल गया किस डायरेक्शन में चलना है, पहले तो हमें इस डायरेक्शन में चलना है, यहाँ पे 1 बनाना है इस एलिमेंट से, और 1 बनने के बाद 1 बनाने के जो मेथड है मैंने आपको बता दिए, ठीक है, तो 1 बनाने के बाद फिर यहाँ पे 0 बनाना है और इसी 1 से बनाना है, 0 बनाने के लिए भी एक ही मेथड है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसमें से उसको माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 होने के बाद फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे 1 बनाना है तो 1 के लिए हम क्या करेंगे C2 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसी से, तो ये 1 आ जाएगा, और इस 1 से जो है इस साइड आके ये 0 बनाना है, ठीक है, तो ये डायरेक्शन जो है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की है और इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, अगर इनवर्स नहीं निकलता किसी क्वेश्चन का तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर किसी भी क्वेश्चन का इनवर्स जो है डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसी स्टेटमेंट क्या होगी और उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो मैं ए मैट्रिक्स मार के चलता हूं, जैसे आपके पास यहाँ पे मैं लेता हूं और यहाँ पे 2 ले लेंगे और यहाँ पे 3 ले लेंगे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 ले लेंगे, ठीक है, अगर माइनस का करना चाहो तो एक चीज माइनस की भी कर सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे 1 लेके आना है या तो रो ऑपरेशन से या कॉलम ऑपरेशन से, तो किसी से भी हम जो है सोल्व कर सकते हैं इसको, आपकी बार कॉलम का तो मैंने बता दिया, रो ऑपरेशन से इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे 1 लेके आना है और इस एलिमेंट से लेके आना है,
तो वन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस तो वन नहीं आ रहा, या फिर स्मॉल एलिमेंट की किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि वन आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसकी मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूं और इसके साथ कंपेयर करें तो क्या आ जाए, वन आ जाए। तो ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको ये हो सकता है कि इसकी किसी कॉन्स्टेंट के साथ, इसकी भी किसी कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तब जाके इनका कंपेयर करने के पर वन आ जाए। तो ऐसा भी एलिमेंट नहीं है हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो बना लेंगे, तो जीरो इसी की हेल्प से बनाएंगे। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई टू के साथ कर देता हूं तो यहाँ पे माइनस फोर हो जाएगा, और इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर वन नहीं बन रहा तो आप क्या करोगे, जीरो बना देंगे, यानी कि ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए, और यहाँ पे माइनस टू थ्री फोर और माइनस का सिक्स इज इक्वल टू यहाँ पे वन जीरो जीरो वन, और ए आपके पास एज इट इज। अब के बाद क्या करेंगे, हम आर वन के अंदर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशन से करेंगे। तो इसकी टू के साथ मल्टीप्लाई की, यानी कि आर वन की तो टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का फोर हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे यानी कि आर टू को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। अब यही ऑपरेशन जो है इन दोनों के ऊपर भी अप्लाई होगा, तो इसकी तो टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स, और ये भी आपके पास माइनस का सिक्स, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ भी जीरो आ जाएगा, तो ये भी जीरो, तो माइनस फोर माइनस का सिक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स आ जाए ऑपरेशन लगाने के बाद। मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको, अगर किसी भी मैट्रिक्स का कोई एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर जीरो हो जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर जीरो हो जाती है तो फिर हम क्या लिखेंगे, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है, पता चल गया। तो ये था ऐसा एग्जांपल जिसका इनवर्स जो है हम नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को जीरो बना देंगे, और अगर जीरो बन जाता है तो उसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट हम लिख देंगे वहां पे, ठीक है, क्लियर है। तो ये था कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, जो आपकी 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स आ जाए यहाँ पे, तो हम उसको भी रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये कराऊंगा। थैंक यू।